Hello students, today we are going to learn chapter 7 I love Gujarat from class 5th EVS. EVS ka chapter 7 hai and the name of the chapter is I love Gujarat. Read. It is a flamingo. Every year it migrates to Gujarat. Flamingo is a state bird of Gujarat. See students, ye jo hai, ye flamingos hai. ये बर्ड्स है जिनका नेम क्या है फ्लेमिंगो. एवरी ईयर इट माइग्रेट्स टू गुजरात. तो हर साल थाउजेंड्स ऑफ फ्लेमिंगोस जो है वो अदर कंट्रीज से हमारे इंडिया में और गुजरात में वो आते हैं. फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. फ्लेमिंगो जो है वो हमारे गुजरात का स्टेट बर्ड है. जैसे हमारा नेशनल बर्ड है इंडिया का जो बर्ड है वो कौन सा है पीकॉक. तो हमारे गुजरात का जो स्टेट बर्ड है वो है फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो जो है वो इस तरह से पिंक कलर के बर्ड्स होते हैं और बहुत ही अच्छे सुंदर दिखते हैं वो. फ्लेमिंगो इज़ अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. अलोंग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स आल्सो कम. फ्लेमिंगो ये जो बर्ड है वो फॉरेन कंट्रीज से मतलब कि जो दूसरे कंट्रीज है वहाँ से हमारे यहाँ वो आते हैं. तो वो क्यों आते हैं तो ये जो बर्ड्स है वो जो कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ के होते हैं मतलब जो ठंडे जो जगह होती हैं जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है वहाँ के ये बर्ड्स होते हैं. तो हमारे यहाँ वो कब आते हैं जनरली वो विंटर सीजन में आते हैं. विंटर सीजन में जो क्लाइमेट होता है हमारे गुजरात का या इंडिया का वो बहुत ही कोल्ड होता है और वो क्लाइमेट और वो टेम्परेचर जो है वो उनके लिए सूटेबल होता है. इसलिए वो हमारे कंट्री में या हमारे स्टेट में गुजरात में वो आते हैं. और सिर्फ फ्लेमिंगोज ही नहीं उनके साथ दूसरे बर्ड्स भी जो है वो हमारे यहाँ आते हैं. बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. जो भी बर्ड्स है जो फॉरेन कंट्रीज से मतलब अदर कंट्रीज से ट्रैवल करके हमारे यहाँ आते हैं उन बर्ड्स को क्या बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. इट सीम्स गुजरात हैज़ कम. दिस टाइम आई हैव टू सी एंटायर गुजरात. अब ये जो फ्लेमिंगो है वो यहाँ पर आ गया है और आने के बाद वो क्या बोल रहा है इट सीम्स गुजरात हैज़ कम. उसे लग रहा है कि अभी गुजरात आ गया और वो क्या बोल रहा है कि दिस टाइम आई हैव टू सी एंटायर गुजरात. कि इस बार अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं पूरा गुजरात देखकर ही वापस जाऊँगा. स्टूडेंट्स ये जो बर्ड्स है वो विंटर सीजन में हमारे यहाँ आते तो है लेकिन विंटर सीजन ख़त्म होने के बाद वो फिर से वापस अपनी कंट्रीज में लौट जाते हैं. तो इसलिए इस बार ये जो फ्लेमिंगो आया है ये क्या बोल रहा है कि इस बार मैं पूरा गुजरात देखकर ही जाऊंगा. चिंकारा सेड कम ब्रदर फ्लेमिंगो यू आर वेलकम इन गुजरात. आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ. अब यहाँ पर ये जो एनिमल है ये चिंकारा इसे बोलते हैं. चिंकारा जो है वो इस तरह सा एनिमल होता है और ये ज़्यादातर कहाँ होता है डेजर्ट में. डेजर्ट मतलब रेगिस्तान. तो हमारे इंडिया में राजस्थान और कच्छ ये दो जगह पर ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. तो अब ये जो फ्लेमिंगो है फ्लेमिंगो जो आया है गुजरात में और उसे पूरा गुजरात देखना है तो अब ये चिंकारा उसे बोल रहा है कि कम ब्रदर फ्लेमिंगो यू आर वेलकम इन गुजरात. वो जो है उस फ्लेमिंगो को हमारे गुजरात में वेलकम कर रहा है उसका स्वागत कर रहा है और वो बोल रहा है आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ. मैं तुम्हें जो कच्छ का डेजर्ट है जो कच्छ का रेगिस्तान है मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा. फ्लेमिंगो सेड हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड इजंट इट. फ्लेमिंगो बोल रहा है कि यहाँ पर जो सॉल्ट होता है मीन्स नमक वो बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. ये वही प्लेस है ना. येस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ आवर कंट्री इज प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. तो चिंकारा बोल रहा है कि हाँ इंडिया में जितना भी सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसमें से आधे से ज़्यादा सॉल्ट यहाँ पर कच्छ के डेजर्ट में प्रोड्यूस होता है. इन एडिशन टू दैट द कंडला हार्बर लोकेटेड इन द बे ऑफ कच्छ इज द सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री. इंटरनेशनल ट्रेड इज प्रमोटेड हियर. तो इसलिए यहाँ पर जो कंडला हार्बर हार्बर मीन्स वॉट हार्बर जो होता है वो सी कोस्ट मतलब जो समुद्र होता है उसके किनारे पर होता है
वहाँ पर क्या होता है कि जो भी सामान हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम जो सामान दूसरी कंट्रीज से लाते हैं या हमारा सामान दूसरी कंट्रीज में हम भेजते हैं, तो वो सब हम यहाँ पर, ये हार्बर जो होता है यहाँ से वो सब होता है। यहाँ पर शिप्स की हेल्प से, मतलब जो जहाज़ होते हैं उनकी मदद से ये सामान लाया जाता है या भेजा जाता है। तो इस तरह से ट्रेडिंग मतलब व्यापार होता है। तो ये जो कंडला हार्बर है यहाँ पर, यहाँ से जो है इंटरनेशनल मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारा व्यापार होता है। और यहाँ पर जो है सॉल्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ से सॉल्ट का जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये जो कंडला बंदर या हार्बर हम बोलेंगे, जो कंडला हार्बर है वो हमारे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हार्बर है। फ्लेमिंगो सेड, फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी कच्छ टू मी, आई हैव टू सी एंटायर गुजरात, आई विल लीव नाउ, बाय बाय। तो फ्लेमिंगो बोला कि जो चिंकारा है उससे वो बोला कि तुमने आज मुझे कच्छ के साथ इंट्रोड्यूस किया, मतलब तुमने मुझे कच्छ की इंफॉर्मेशन दी, अब मुझे पूरा गुजरात देखना है, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय बाय। ग्रास ग्रोविंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया। तो कच्छ में जो बनी नाम का जो रीजन है, जो वहाँ पर जो ग्रास मतलब जो घास जो उगती है, वो पूरे एशिया में सबसे टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबी घास है पूरे एशिया में। हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम है एशिया, और पूरे एशिया में सबसे लंबी जो घास है वो कहाँ पर है, कच्छ के बनी रीजन में वो पाई जाती है। कम टू द नेक्स्ट पेज, थिंक एंड से विच अदर बर्ड्स कम टू योर विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन से दूसरे जो बर्ड्स है वो दूसरी जगह से आपके विलेज में, आपके शहर में या आपके गांव में आते हैं। तो हियर यू कैन राइट जो भी बर्ड्स आपके गांव में या सिटी में दूसरी जगह से आते हैं उनके नेम्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यू कैन से दैट बर्ड्स लाइक क्रेन, काइट, वल्चर एट्सेट्रा कम टू माई विलेज फ्रॉम अदर प्लेसेस। ये जो बर्ड्स है, क्रेन है, काइट है या वल्चर, ये सारे दूसरी जगह से मेरे गांव में या मेरे सिटी में आते हैं। सेकेंड वन, वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइग्रेट टू आवर स्टेट। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो बर्ड्स है वो हमारे यहाँ माइग्रेट करके गुजरात में क्यों आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो बर्ड्स है वो जो है कोल्ड रीजन के बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स विच माइग्रेट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर कोल्ड रीजन बर्ड्स। इन विंटर अवर स्टेट गुजरात बिकम्स कोल्ड, द टेम्परेचर एंड एटमोसफियर हियर सूट्स द माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ये जो बर्ड्स है ये कोल्ड रीजन के होते हैं, और विंटर में हमारे गुजरात का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, और एटमोसफियर है वो सारा उनके लिए सूटेबल होता है, इसलिए ये सारे बर्ड्स जो है वो वहाँ से हमारे यहाँ माइग्रेट करके आते हैं। नाउ फ्लेमिंगो हैज रीच्ड टू पिरोटन आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बे ऑफ कच्छ। अब स्टूडेंट्स, आइलैंड, यहाँ पर एक आइलैंड है, इसका नेम है पिरोटन आइलैंड। तो आइलैंड मीन्स क्या होता है? एन आइलैंड इज़ अ बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड मतलब ऐसी ज़मीन के जिसके चारों तरफ पानी होता है, ये सी या तो रिवर के बीच में होता है। तो यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नेम है पिरोटन आइलैंड, जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है, बे ऑफ कच्छ में। तो यहाँ पर वो फ्लेमिंगो अब आया है। फ्लेमिंगो सेड, यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम द कोल्ड रीजन, बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। अब ये फ्लेमिंगो जो है इस डॉल्फिन को, ये जो है ये क्या है, डॉल्फिन से वो बात कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि हम डॉल्फिन को वो बता रहा है कि हम जो है, हम फ्लेमिंगो है और हम कोल्ड रीजन से यहाँ विंटर सीजन में हम गुजरात में आते हैं। अबडासा ऑफ कच्छ मींस लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। कच्छ का जो अबडासा है वो फ्लेमिंगो का एक बड़ा सा टाउन है, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगोज आते हैं। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात, हैंस वी केम हियर। और वो बता रहा है कि हमने इस बार सोचा कि हम पूरे गुजरात को देखेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। डॉल्फिन सेड, कम विथ मी एंड सी हियर आर द कोरल रिप्स, देर आर स्टार फिश, जेली फिश एंड डॉल्फिन फिश लाइक मी, इवन सी क्यूकम्बर, टॉर्टोइस एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर। तो यहाँ पर ये जो डॉल्फिन है वो बोल रहा है उस फ्लेमिंगो को
कम विथ मी, मतलब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अब वो क्या दिखा रहा है, सी हियर आर द कोरल रिप्स। कोरल रिप्स मीन्स जो बड़ी बड़ी चट्टाने होते हैं, आपने देखे होंगे, उनको हम बोलेंगे कोरल रिप्स। तो वो दिखा रहा है वहाँ पर जो भी ओशियन होता है, वहाँ पर उसके आसपास या ओशंस के अंदर भी बड़ी बड़ी चट्टाने, मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो सब वो दिखा रहा है। और फिर क्या दिखा रहा है, वो उनको स्टारफिश दिखा रहा है, जेली फिश एंड डॉल्फिन भी दिखा रहा है, इवन सी क्यूकम्बर। सी क्यूकम्बर जो होता है वो इस तरह का एक वाटर एनिमल होता है, वो भी वो उस फ्लेमिंगो को दिखा रहा है। फिर उसने उनको टॉर्टोइस और ऑक्टोपस भी दिखाया। थिंक एंड से विच एक्वेटिक एनिमल्स अराउंड यू आर सीन थ्रू आउट द ईयर। अब आपको पूछा है कि आपको पूरे साल भर में आपके आसपास कौन से एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब वाटर एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जनरली हमें सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल्स दिखते हैं, एक तो हमें फ्रॉक्स दिखते हैं, और फिर फिश भी हम देखते हैं, क्रेन्स हम देखते हैं, और टर्टल्स भी हमें देखने को मिलता है। तो वी विल राइट या वी कैन से द एक्वेटिक एनिमल्स सीन अराउंड अस थ्रू आउट द ईयर आर टर्टल्स, स्मॉल फिशेस, क्रेन्स, फ्रॉक्स एटसेट्रा। सेकेंड वन, विच एनिमल्स आर सीन ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून मीन्स रेनी सीजन। रेनी सीजन में हमें कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जनरली जब भी रेनी सीजन में बारिश होती है तो हमें जो ज़मीन के ऊपर ज़्यादातर फ्रॉग्स, और आपने देखा होगा अर्थ वॉर्म्स, जो ऐसे लंबे लंबे जो वॉर्म्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन मॉनसून सीजन वी कैन सी फ्रॉग्स, अर्थ वॉर्म्स, फिशेस, डक्स, वाटर स्नैक्स एट्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट वन, वेयर डू फ्रॉग्स गो आफ्टर मॉनसून। जब मॉनसून ख़त्म हो जाता है तो सारे फ्रॉग्स कहाँ चले जाते हैं? तो हमें मॉनसून के बाद हमें फ्रॉग्स देखने को मिलते नहीं हैं। तो फ्रॉग्स कहाँ चले जाते हैं? तो जनरली जो फ्रॉग्स हैं वो रेनी सीजन के बाद ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। तो जब नेक्स्ट रेनी सीजन आता है तब वो फिर से जब बारिश होती है तो वो ज़मीन के बाहर आते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द फ्रॉग्स गो अंडर द ग्राउंड आफ्टर मॉनसून एंड लिव देयर ओनली अनटिल द नेक्स्ट मॉनसून। तो वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं जब तक नेक्स्ट मॉनसून आता नहीं है। द नेक्स्ट वन, व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है या वाटर एनिमल्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए आप क्या करोगे? तो हम यहाँ पर क्या क्या बोल सकते हैं? तो पहले तो हम बोलेंगे वी विल नॉट डिस्टर्ब द लिविंग एनिमल्स इन वाटर। तो हम जो है वो वाटर एनिमल्स है उनको तो हम डिस्टर्ब करेंगे नहीं। देन सेकेंड वन, वी विल नॉट लेट द डोमेस्टिक एनिमल्स बाथ इन वाटर। तो हम देखते हैं कि जनरली जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काऊ है, बफेलोज है, ये सब जो है वो वहाँ पर नदी के किनारे या जो तालाब होता है वहाँ पर हम वो नहाते हैं, तो हम ये सब करने नहीं देंगे। जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको हम नहा वहाँ पर जो भी वाटर बॉडीज है वहाँ पर उनको नहाने के लिए नहीं भेजेंगे, कि जिससे वो वाटर एनिमल्स है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। देन वी विल फीड द लिविंग एनिमल्स इन वाटर विथ प्रॉपर फूड। तो जो भी वाटर एनिमल्स है अगर हमसे हो सकता है तो हम उनके लिए उनको एक प्रॉपर फूड प्रोवाइड करेंगे। ओके, देन वी विल कीप चेक दैट नो बडी कैचेस और किल्स फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी वो जो वाटर एनिमल्स है, कोई भी फिश हो या कोई भी अदर एनिमल्स हो, उनको कोई पकड़े ना या उनको मारे ना। वी विल सी दैट नो वन थ्रोज गार्बेज इन वाटर। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भी कचरा जो होता है, जो भी गार्बेज होता है, वो वाटर बॉडीज के अंदर, मतलब जो रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, वहाँ पर हम फेंकेंगे नहीं और किसी को फेंकने देंगे भी नहीं। इतना हम हमारे जो भी वाटर एनिमल्स है या एक्वेटिक एनिमल्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये सब चीज़ करेंगे। डॉल्फिन इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, जैसे जो पीकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है और टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है, तो वैसे ही डॉल्फिन जो है वो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, मतलब नेशनल वाटर एनिमल वो कौन सा है हमारे इंडिया का, वो है डॉल्फिन। कम टू द नेक्स्ट पेज, लायन सेड वेलकम फ्लेमिंगो। नाउ सी, अब जो फ्लेमिंगोज है वो आगे जाकर अब वो किससे मिले हैं, लायन से,
और लायन उनको बोल रहा है वेलकम फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो सेड डू यू लिव हियर। फ्लेमिंगो उस लायन को पूछ रहा है क्या तुम यहीं रहते हो। लायन सेड येस वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया। लायन बोल रहा है कि हाँ मैं यहीं रहता हूँ और हम जो है यहीं पर पूरे एशिया में गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है, गिर का जो जंगल है, वहीं पर हम लायन जो है वो पाए जाते हैं। मतलब पूरे एशिया में ये एक प्लेस है कि जहाँ पर लायन देखने को मिलते हैं। गिर फॉरेस्ट इज़ द ओनली सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायंस इन एंटायर एशिया। गिर का जो फॉरेस्ट है वो एक ही सेंचुरी है कि जहाँ पर एशियाटिक लायंस जो है पूरे एशिया में हम वहाँ पर देख सकते हैं। फ्लेमिंगो सेड व्हाट इज़ सेंचुरी। अब स्टूडेंट्स आपको पता है सेंचुरी का क्या होता है। नहीं पता, वैसे ही फ्लेमिंगो को भी नहीं पता है कि सेंचुरी क्या होता है। तो वो लायन से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ सेंचुरी, सेंचुरी क्या होता है। तो लायन बोल रहा है अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रीड एज नोन एज सेंचुरी। तो सेंचुरी क्या होता है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है कि जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो रह सकते हैं, वो फ्रीली वहाँ पर घूम सकते हैं, उनको कोई भी वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो भी प्लेसेस होते हैं कि जो सिर्फ उनके लिए एनिमल्स के लिए रिजर्व होते हैं, उन प्लेसेस को बोलते हैं सेंचुरी। देर आर सेंचुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक बियर, वाइल्ड एस, ब्लैक बक एंड चिंकारा। तो हमारे गुजरात में बियर, वाइल्ड एस, ब्लैक बक और चिंकारा ये सारे एनिमल्स के लिए भी हमारे गुजरात में सेंचुरीज है। थिंक एंड से, तो यहाँ पर आपको कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंचुरी है, कौन से बर्ड या एनिमल के लिए है, आपने कभी वहाँ पर आप गए हो। तो ये आंसर स्टूडेंट्स, अगर आप गए हो और आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई सेंचुरीज है तो उसके बारे में आपको लिखना है। रीड फ्लेमिंगो गोज टू गिरनार। देर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंजेस इन पंचमहाल, आरासुर इन द अरवली रेंजेस ऑफ बनासकांठा, सापुतारा इन द सातपुड़ा रेंजेस ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट एंड शत्रुंजय इन भावनगर। देर आर मैनी स्मॉल लार्ज हिल्स इन गुजरात। तो स्टूडेंट्स, अब जो फ्लेमिंगो है वो कहाँ गया है, गिरनार। और गिरनार क्या है, ये सबसे हाईएस्ट हिल है गुजरात का। तो हमारे यहाँ गुजरात में और भी बहुत सारे हिल्स हैं, जैसे पावागढ़ है, उसके बाद आरासुर है कि जो अरवली रेंजेस में है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद सापुतारा हिल है, ये डांग डिस्ट्रिक्ट में है, शत्रुंजय जो है वो भावनगर में है, सापुतारा है जो ये जो है ये गुजरात का एक हिल स्टेशन है। तो इस तरह से गुजरात में बहुत सारे छोटे बड़े हिल्स है। नाउ नेक्स्ट पेज राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, वो फिलअप करना है। तो टेबल में दो कॉलम्स थे, फर्स्ट कॉलम में आपको नेम ऑफ हिल लिखना है एंड सेकेंड में नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ पर आपको किसी हिल का नेम लिखना है और यहाँ पर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो आपको लिखना है। तो फर्स्ट वन वी विल राइट पावागढ़। पावागढ़ आप सब तो गए होंगे और सब ने वो देखा ही है। तो पावागढ़ जो है ये हिल है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम है पंचमहाल। देन सेकेंड वन इज़ गिरनार। गिरनार जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इट इज़ इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। थर्ड वन इज़ सातपुड़ा एंड इट्स इन डांग डिस्ट्रिक्ट। फोर्थ वन इज़ पारनेरा, इट इज़ इन वलसाड डिस्ट्रिक्ट। एंड लास्ट वन इज़ आरासुर, इट इज़ इन बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। ओके, देन नेक्स्ट वन रीड। देर इज़ अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन वेरावल अलोंग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। तो यहाँ पर अभी बोला गया है कि वेरावल में एक बहुत ही बड़ा फिशरी सेंटर है। फिशरी सेंटर मतलब कि जहाँ पर एक बिजनेस होता है फिश का, फिश को पकड़ते हैं और उनके बाद उनको सेल करते हैं इस तरह से। तो ये एक सबसे बड़ा फिशरी सेंटर हमारे गुजरात में कहाँ पर है, वेरावल में। कि जो एक हमारे गुजरात को आप हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया गुजरात के पास है, मतलब जो सी कोस्ट होता है, समुद्र का किनारा, वो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में गुजरात को मिला हुआ है। तो इसलिए फिशरी इंडस्ट्री भी यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलप हुई है और जो वेरावल है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फिशरी सेंटर है। सेकंड वन
a flourishing is a huge business of wrecked ship thriving in along port in Bhavnagar district. तो यहाँ पर flourishing is a huge business of wrecked ship thriving in along port in Bhavnagar district. तो students, जो बड़े बड़े ships होते हैं जहाज, okay, उनको वो कुछ सालों बाद वो जो जहाज है उन पर रस्ट लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो जो जहाज़ है वो सेलिंग के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं. तो ऐसे जो जहाज़ है उनको क्या करते हैं, उनको तोड़ा जाता है. तो गुजरात के भावनगर में जो अलंग पोर्ट है वहाँ पर ऐसे जो जहाज़ है उनको तोड़ने का बिजनेस होता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये अलंग पोर्ट है, यहाँ पर 1983 से ये काम हो रहा है. सबसे फर्स्ट जो शिप यहाँ पर ब्रेकिंग के लिए आया था वो 1983 में आया था. इस बिजनेस को शिप ब्रेकिंग भी बोलते हैं. शिप में जो भी यूज़फुल थिंग्स है उनको निकाल कर दूसरी जगह वो यूज़ होते हैं. कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं वो सेल की जाती है, मतलब बेची जाती है, या उनका ऑक्शन होता है, और जो बाकी जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं वो किसी और चीज़ में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. यहाँ पर मोस्टली फॉरेन कंट्रीज़ की शिप्स आती हैं, मतलब जो अदर कंट्रीज़ की जो शिप्स है जो पुराने हो गए हैं ऐसी शिप्स वहाँ पर आती हैं, और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के वर्कर यहाँ पर काम करते हैं. नेक्स्ट वन है बाम्बू, सादड़, हदरवो, सीसम एंड टिमरू ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग. तो स्टूडेंट्स, जो डांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आप देखोगे कि वो एक फॉरेस्ट रीजन है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बाम्बू, सादड़, हादरवो, सीसम, टिमरू ये सारे ट्रीज वहाँ पर होते हैं. तो बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज़ प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी. तो जो भी बिल्डिंग्स बनती है, हम जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें ज़्यादातर जो टीक वुड होता है वो यूज़ होता है, तो वो भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होता है. कहाँ पर, डांग जिले में, डांग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर. एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इज़ द फॉरेस्ट रीजन. मैंने पहले ही आपको बोला कि जो डांग डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, एक फॉरेस्ट रीजन है, मतलब पूरा जंगल है वहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जंगल ही है, और इसलिए हमें वहाँ पर जो वुड होता है, लकड़ा, जो हमें यूज़फुल है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, और जो भी अदर चीज़ें हैं वहाँ जहाँ पर हमें वुड यूज़फुल होता है, तो वो सारा वुड जो है वो हमें डांग डिस्ट्रिक्ट से मिलता है. ब्यूटीफुल बोटानिकल गार्डन ऑफ वगई एंड गिरा फॉल आर ऑल्सो देर. और यहाँ पर डांग डिस्ट्रिक्ट में एक बोटानिकल गार्डन है, उस गार्डन का नाम है वगई गार्डन. सी दिस इज़ वगई गार्डन. ये जो है बहुत ही अच्छा प्लेस है, आप यहाँ पर जा सकते हो, इस प्लेस को विजिट कर सकते हो. और दूसरा जो है गिरा फॉल है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे विजिटर्स हर साल यहाँ पर आते हैं. सापुतारा ऑफ डांग डिस्ट्रिक्ट इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात. सी स्टूडेंट्स, मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बताया कि जो सापुतारा है वो गुजरात का एक ही है ऐसी जगह है कि जो गुजरात का एक हिल स्टेशन है. गुजरात इज़ द रीजन ऑफ मैनी रिवर्स. नर्मदा इज़ द बिगेस्ट रिवर. साबरमती, तापी एंड महिसागर आर ऑल्सो बिग रिवर्स इन गुजरात. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो गुजरात है यहाँ पर बहुत सारे रिवर्स है. रिवर्स मीन्स नदी. और सबसे जो बड़ी रिवर है वो कौन सी है, नर्मदा. इसके अलावा हमारे गुजरात में साबरमती, तापी, महिसागर ये सारी भी जो रिवर्स है ये भी बड़ी बड़ी रिवर्स है. सरदार सरोवर डैम इज़ बिल्ड ऑन द नर्मदा रिवर. बाय दिस इरीगेशन स्कीम वाटर इज सप्लाइड टू मैनी रीजन्स ऑफ गुजरात. वाटर इज सप्लाइड अप टू कच्छ. दिस डैम इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर हमारा जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम. और ये जो डैम है, ये जो इरिगेशन स्कीम है, इससे पूरे गुजरात को पानी मिलता है. और यही नहीं कि जो कच्छ है वो जो एक डेजर्ट है वहाँ पर भी पानी हमें मिलता है. दिस डैम इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और ये जो डैम है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़फुल है. थिंक एंड से डैम एंड ब्रिज बोथ आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. अब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि रिवर के ऊपर डैम भी बनाया जाता है और ब्रिज भी बनाया जाता है, तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है. तो स्टूडेंट्स, डैम जो है इट इज़ बिल्ट टू कलेक्ट वाटर. ये जो डैम जो बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, पानी को कलेक्ट करने के लिए. और ब्रिज जो है वो किस लिए बनाए जाते हैं, वो रिवर को क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं. अगर हमें रिवर के उस पार जाना है तो हम ब्रिज के हेल्प से या इस साइड से उस
साइड हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। रिवर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के रिवर्स के नेम्स लिखने हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स, अब मेरा डिस्ट्रिक्ट या हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सूरत। सूरत में अब सिर्फ एक ही रिवर है, तो हम यहाँ पर उसी का नाम लिखेंगे, उसका नाम है तापी। ओके, देन नेक्स्ट इज बिगेस्ट रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो हमारे सूरत में एक ही है, तो हम उसी का नाम फिर से यहाँ पर लिखेंगे, तापी रिवर। डैम्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, तो डैम हमारे सूरत में अभी कोई भी डैम नहीं है। पहले जो उकाई डैम था वो सूरत डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अब वो तापी डिस्ट्रिक्ट में है, तो हमारे सूरत डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डैम नहीं है। द फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच्ड गांधीनगर कैपिटल ऑफ गुजरात विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कडाना डैम ऑफ महिसागर। तो अब जो फ्लेमिंगो है वो वहाँ से उड़कर कहाँ गया, नर्मदा रिवर उसने देखी, फिर उसके बाद वो गांधीनगर गया। गांधीनगर जो है वो हमारे गुजरात का कैपिटल है। उसने फिर उसके बाद जो आनंद में अमूल डेयरी है वहाँ पर भी वो गया, उसने अमूल डेयरी देखी। उसके बाद जो महिसागर रिवर के ऊपर कडाना डैम है उसे उसने विजिट किया। उसके बाद गांधीनगर इज़ द सिटी ऑफ गुजरात पजेसिंग हाइएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज। द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंद्रोडा पार्क एंड महात्मा मंदिर। तो गांधीनगर जो है वो सबसे पहले तो हमारे गुजरात का कैपिटल है, वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ है, तो फ्लेमिंगो वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पर इंद्रोडा पार्क भी देखा। उसके बाद महात्मा मंदिर, जो महात्मा गांधी जी है उनके नेम्स के वहाँ से, वहाँ पर एक महात्मा मंदिर है वो भी उन्होंने विजिट किया। फ्रॉम देयर इट वेंट अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। उसके बाद वो वहाँ से कहाँ गए, अहमदाबाद गए, जो कि साबरमती नदी के किनारे पर है। तो उन्होंने वो अहमदाबाद को भी एक विजिट किया। नल सरोवर इज़ अ बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्रनगर। ऑन द ऑनसेट ऑफ विंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बर्ड्स आर सीन हियर। तो स्टूडेंट्स, ये जो नल सरोवर है यहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। जैसे हमने पढ़ा कि जो गिर फॉरेस्ट है वो लायन के लिए एक सेंचुरी है, तो वैसे ही बर्ड सेंचुरी है हमारे गुजरात में नल सरोवर पर। ये अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर के बीच में है, तो जब भी हर साल विंटर सीजन आता है तो बहुत से फॉरेन बर्ड्स हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आई एन्जॉयड इन गुजरात, एन्जॉयड अ लॉट, आई लव गुजरात। अब ये कौन बोल रहा है, अभी पूरे जो लेसन है इसमें जो फ्लेमिंगो है इसने पूरे गुजरात में ट्रैवल किया, उसने अहमदाबाद देखा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट देखा, पंचमहाल, वेरावल, बहुत सारी जगह वो गया, बहुत से हिल स्टेशंस गया, फिर साबरमती रिवर के वहाँ पर जो साबरमती गांधी जी का आश्रम है वहाँ पर वो गया, कांकरिया लेक उसने देखा। इस तरह से उसने पूरे गुजरात की विजिट की। तो वो बोल रहा है कि मैंने यहाँ पर बहुत ही मज़े किए। आई एन्जॉयड इन गुजरात, एन्जॉयड लॉट, आई लव गुजरात। एक्टिविटी, यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी है, फिल येल्लो कलर इन द डिस्ट्रिक्ट विजिटेड बाय फ्लेमिंगो। तो जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स को फ्लेमिंगो ने विजिट की है वहाँ पर आपको येलो कलर फिल करना है। ये जो है हमारे गुजरात का मैप है। ओके, ये क्या है, गुजरात है, और यहाँ पे ये जो आप लिखे हुए हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे गुजरात के। तो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में फ्लेमिंगो गया है वहाँ पर आपको कलर करना है, और कौन सा कलर करना है, येलो कलर। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्लेमिंगो ने है कच्छ डिस्ट्रिक्ट भी विजिट किया, उसके बाद उसने जामनगर विजिट किया है, गिर सोमनाथ वो गया था गिर डिस्ट्रिक्ट, गिर के फॉरेस्ट में, उसके बाद भावनगर गया था, अहमदाबाद वो गया था, गांधीनगर भी विजिट किया उसने, आनंद गया था जहाँ पे उसने अमूल डेयरी को विजिट किया। ओके, तो ये जितने भी हैं यहाँ पर आपको, फिर पंचमहाल है, महिसागर, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट में वो वहाँ पर गया था उन डिस्ट्रिक्ट्स को आपको येलो कलर करना है। Students, our chapter is finished here. Hope you like it. We will meet very soon with our next chapter. Thank you.